चलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अपडेट दे देता हूँ। इससे पहले जो मेरे कश्मीर के ब्लॉग्स आ रहे थे, वो भाई कश्मीर की सीरीज खत्म हो गई है। वहां में मैंने ज्यादा कुछ ब्लॉग्स वगैरह किए नहीं थे, क्योंकि भाई ब्लॉग वगैरह ना मुझे ज्यादा करना आते हैं और ना ही मैं करता, और ज्यादा मतलब इंटरेस्ट वगैरह नहीं है उसमें। तो भाई अपने जम्मू वापिस आ गए। तो अब बात करते हैं भाई अपना जो मेन टॉपिक है जिसपे आज भाई अब वीडियो बनाने आए हैं, तो वो है मतलब अब जैसे इससे पहले भाई कश्मीर की सीरीज चल रही थी, तो बाय रोड ही गए थे और जो गाड़ी लेके गए थे वो यही स्कॉर्पियो है। तो मतलब 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव मतलब स्कॉर्पियो जब पहाड़ों वगैरह पे चलती है, या अगर कोई ले रहा है स्कॉर्पियो को ज्यादा मतलब उसकी ट्रैवलिंग ज्यादा माउंटेन्स वगैरह में, तो भाई ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो आज की वीडियो में भाई बात करने वाले 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव जब हम स्कॉर्पियो को पहाड़ों में लेके जाते हैं तो कौन कौन सी हमें फेस होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 नेगेटिव की, मतलब 5 बुराइयां इस गाड़ी में जो पहाड़ों के पे लेके जाते हैं, तो भाई जो चीज की कमी लगती है। तो सबसे पहली जो चीज है फर्स्ट नेगेटिव मतलब गाड़ी का, तो वो है इसकी सेफ्टी के रिलेटेड भाई। मतलब अब जैसे सारों को पता ही है जो एनकैप की रेटिंग आई थी स्कॉर्पियो की, वो काफी मतलब खराब थी। जिस हिसाब की मतलब ये गाड़ी लगती है, जैसे अगर कोई बाहर से देखे, यहाँ डोर्स वगैरह भी काफी हैवी फील होते हैं, मगर भाई जब एनकैप की ग्लोबल एनकैप की टेस्ट रेटिंग आई तो उससे भाई सारा पता चल गया था मतलब कितनी कमजोर गाड़ी है। मतलब इस गाड़ी ने कुछ अच्छा स्कोर किया नहीं था ग्लोबल एनकैप की जो टेस्ट रेटिंग हुई थी, जिससे पता चलता है कि भाई मतलब ये गाड़ी ज्यादा कुछ सेफ है नहीं है पहाड़ों में। ऐसे अगर कोई नॉर्मल क्रैश वगैरह हो तो उसमें से भी भाई इस गाड़ी में से कोई सेफ बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल वाला है। तो मतलब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो काफी हल्की है, जिसकी वजह से इसकी सेफ्टी मतलब इतनी खराब है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आ गया अपना सेफ्टी का। दूसरा नेगेटिव आता है इसका मतलब इसका कंफर्ट का। तो पहला नेगेटिव अपना सेफ्टी का, दूसरा आता है इसका कंफर्ट का। मतलब इस गाड़ी में अगर हम कहीं लॉन्ग टूर वगैरह कर रहे हैं तो इसमें भाई कंफर्ट की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके जो शॉकर्स वगैरह अगर थोड़ा सा भी कहीं जंप वगैरह या कहीं भाई पोर्टहोल से गुजरते हैं तो उसमें भाई गाड़ी के मतलब पूरी हिलती जाती है। तो इसके शॉकर्स की वजह से इसका पूरा कंफर्ट खराब होता है गाड़ी का, और इसकी जो पीछे बेंच सीट है वो भी जैसे मैंने हर वीडियो में बताता हूँ तो वो रिक्लाइन कम है, जिसकी वजह से जो भी पीछे बैठा होता है उसकी भाई बैक में दर्द होने शुरू हो जाती है। मगर ज्यादा इसका फर्क पड़ता है इसके जो मतलब शॉकर्स मिलते हैं वो काफी बेकार शॉकर है। मतलब अब कई लोग उन्हीं शॉकर्स की वजह से स्कॉर्पियो खरीदते हैं, क्योंकि ये जब ऐसे रोड पे चलते तो अगर थोड़ा सा भी टर्न वगैरह लें तो भाई पूरी ऐसे मतलब झूले खाती जाती है, तो वो मजा अलग ही है। मगर ऐसे अगर हम कंफर्ट की ओर से देखें तो उससे थोड़ा खराब मतलब इसके शॉकर्स हैं वो थोड़े खराब है। मगर मेरे को मतलब अगर कोई बाहर से गाड़ी देख रहा हो तो मतलब जब गाड़ी ऐसे पूरे झूले खाती हुई जाती है तो बाहर से तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर भाई अंदर से जो पैसेंजर बैठे होते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। उसके बाद अगर इसके थर्ड नेगेटिव की बात करें तो वो आता है भाई इसका स्टीयरिंग व्हील। मतलब अब जैसे इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील आता है, कई लोग सोचते हैं कि भाई स्कॉर्पियो में मतलब पावर स्टीयरिंग आता है, तो उनको मैं बता दूं स्कॉर्पियो में भाई पावर स्टीयरिंग नहीं आता, इसमें मतलब अपना जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील होता है वो आता है। ये थोड़ा सा हार्ड होता है हमारा पावर स्टीयरिंग से, मगर इसके भी भाई अपने ज्यादा फायदे होते हैं। मतलब अब जैसे हाईवे पे जा रहे हैं तो जैसे ह्यूंडई की गाड़ी की अगर किसी के पास होगी तो भाई वो रिलेट कर पाएगा। तो जैसे अगर हम हाई स्पीड पे जा रहे हैं 120, 40, 60 जितनी भी है, तो उसमें अगर गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा सा भी हिले तो गाड़ी का पलटने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और इस गाड़ी में जो शॉकर आते हैं वो तो भाई क्या ही बोले, उनको अगर थोड़ा सा भी ऐसे टेढ़ा कर दो तो वो पूरी मतलब एक साइड से उठी जाती है पूरी गाड़ी। तो उस वजह से इसमें दिए हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, तो ये हाई स्पीड पे मतलब ऐसे नॉर्मल भी थोड़ा सा टाइट रहता है। अब जैसे ह्यूंडई की वो i20 होगी, क्रेटा वरना वगैरह होगी, उनके स्टीयरिंग भाई काफी ज्यादा लाइट रहते हैं अगर हम हाई स्पीड में भी जाएं तो, उनसे उनका एक मतलब डरने का चांस होता है। मतलब अगर हाई स्पीड में वो बिल्कुल ही लाइट होता है, अगर वो थोड़े से भी टेढ़े वगैरह हो जाएं, जिसमें गाड़ी का उल्टा होने के चांस होते हैं। और स्कॉर्पियो तो भाई उल्टे होने ज्यादा मतलब एक्सीडेंट स्कॉर्पियो के इसी की वजह से होते हैं कि स्कॉर्पियो उल्टी हो जाती है पूरी रोड। तो ऐसे तो मतलब इसका काफी फायदा है, मगर अगर हम माउंटेन्स वगैरह की बात करें तो वहां पे मतलब माउंटेन्स में जैसे कितने मोड़ वगैरह होते हैं तो ये थोड़ा सा हार्ड होने की वजह से मतलब इसको भाई मोड़ते बड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, और आदमी की जो बाजू वगैरह वो सारी थक जाती है। तो थर्ड इसका जो नेगेटिव आता है वो ये है। इसके बाद जो इसका फोर्थ नेगेटिव आता है, जो मेरे को लगता है अब कई लोगों को नहीं भी लगेगा, वो आता है इसका भाई क्लच का। जैसे मैं एक बार ये मैट बाहर निकाल फेंक देता हूँ। अब जैसे इस गाड़ी का क्लच है तो मतलब ये काफी ज्यादा लंबा दबाना पड़ता है, फिर जाके दबता है लंबा। मतलब अब जैसे पैडल लंबा नहीं, अब जैसे क्लच को यहाँ से शुरू होके वो पूरे पीछे मैट तक जाता है, तो काफी लंबा क्लच दबाना पड़ता है इसका। अब अगर बाकी गाड़ियों में बात करें तो उनमें भाई ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अब माउंटेन्स वगैरह में जैसे आगे से गाड़ी वगैरह आ जाती है तो उसमें बार बार ब्रेक दबानी पड़ती है, क्लच वगैरह थोड़ी स्पीड स्लो करनी पड़ती है, तो उस केस में भाई क्लच बहुत ज्यादा लंबा दबाना पड़ता है, जिसकी वजह से थकावट काफी हो जाती है अगर हम लॉन्ग ट्रिप वगैरह कर रहे हैं।
और ऐसे अगर हम जाम में कोई फंसे हुए हैं तो उसमें तो भाई हालत ही खराब हो जाएगी, मतलब पैर पूरा थक ही जाता है, इतना लंबा क्लच दबाना पड़ता है, ऊपर से स्टेयरिंग भी भारी आता है थोड़ा सा इसका। तो ये चार चीजें तो मतलब मेन थी जो, मतलब अगर इसको कोई माउंटेन्स वगैरह में ले रहा है तो ये चार चीजें फेस होंगी होंगी। उसके बाद जो पांचवी चीज है, जो ये हर किसी मतलब हर गाड़ी में, ज्यादातर गाड़ियों में ये होती होती है, वो आती है इसकी भाई हैंड ब्रेक। तो अब ये वाला टायर थोड़ा नीचे, ये ऊपर है, मतलब इतनी सी हाइट होगी करीबन। और अगर हमारी गाड़ी कहीं स्लोप वगैरह पे खड़ी है और जैसे पीछे जाम वगैरह होता है तो काफी देर अगर ब्रेक दबा के रखो तो वही पैर थक जाते, तो कोई लोग क्या करते हैं हैंड ब्रेक लगा देते हैं जिससे गाड़ी पीछे नहीं जाए और अपनी गाड़ी बंद करके बाहर चले जाते हैं। मगर इसमें भाई एक हैंड ब्रेक की प्रॉब्लम आती है, मतलब अब जैसे हैंड ब्रेक लगाई हुई है तो फिर भी भाई गाड़ी थोड़ी थोड़ी पीछे जाती रहती है जाती रहती है। तो ये ज्यादातर गाड़ियों में प्रॉब्लम आती है, अगर भाई आपकी गाड़ी में भी आती है तो नीचे गाड़ी का नाम कमेंट करके आगे प्रॉब्लम लिखना। तो अभी मैं एक बार यहाँ पे गाड़ी लगाता हूँ पूरे यहाँ पर, अभी भी मैंने ईंट लगाई हुई है, मेरे को डर था कहीं भाई पीछे नहीं चले जाए। तो अभी एक बार यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे करके बताता हूँ अगर होगी। वैसे तो ये ज्यादा कोई बड़ी चढ़ाई आनी है, मैं एक बार भाई दोबारा बता देता हूँ, देख लो बस इतनी सी चढ़ाई है। तो देखते हैं अब जाती है पीछे या नहीं जाती। तो अभी लगा दी भाई पूरा, अगर टायर दिख रहा होगा तो अभी तो न्यूट्रल है, हैंड ब्रेक ऊपर है, अभी जो अपनी मेन ब्रेक है वो दबाई हुई है, जैसी वो छोड़ूंगा तो ये पीछे जाने लगेगी। 3 2 1 ये छोड़ दी मैंने और देखो इतनी सी पीछे गई गाड़ी, और है अभी इतनी सी स्लोप है और ये मतलब पीछे चलेगी। तो ये थे अपने मतलब पांच जो नेगेटिव लगते हैं पहाड़ों पे अगर हम स्कॉर्पियो लेके जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पांच जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो अपना है कॉर्नरिंग लैंप का, मतलब इसमें जैसे ये तो एक प्रोजेक्टर आता है और ये अपनी जो हाई बीम लो बीम वाली जो भी लाइट है उसी के बीच में ये आता है अपना कॉर्नरिंग लैंप का। अब इसका फायदा क्या होता है, मतलब अब जैसे अपनी गाड़ी ने राइट टर्न किया, अब जैसे स्टेयरिंग घूमेगा तो साइड में ये जो अपनी राइट वाली और लेफ्ट वाली कॉर्नरिंग लैंप है वो मतलब यहाँ यहाँ तक अपने टायर का एक्स्ट्रा एरिया भी बताती है लाइट से। और अगर हम मेन हेडलाइट की बात करें तो वो सिर्फ सीधा सीधा का एरिया बताती है, और जैसे ही अपना स्टेयरिंग वगैरह मुड़ता है तो ये जो अपने कॉर्नरिंग लैंप है ये दोनों साइड के ऐसे खुल ऑन हो जाते हैं और ये मतलब ऐसे साइड का एरिया भी पूरा बताते हैं। और अब जैसे पहाड़ों में अगर हम बात करें तो कट्स मतलब मोड वगैरह काफी होते हैं जिनमें बार बार स्टेयरिंग मतलब आगे से जो भी गाड़ी आ रही होती है उसको देखना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपनी लाइट जो होती है वो सीधा आगे बढ़ रही होती है और हमेशा चाहिए होती है भाई कोई साइड की लाइट। तो जैसे ही हम अपने स्टेयरिंग वगैरह काटते हैं तो ये अपनी कॉर्नरिंग लाइट ऑन हो जाती है, जो कि भाई काफी ज्यादा फायदेमंद लगी मुझे माउंटेन। सबसे ज्यादा यही बेस्ट लगी मुझे कॉर्नरिंग लैंप अपने मतलब पहाड़ों वगैरह में, हर गाड़ी में ये होना ही चाहिए। और मतलब इसका फायदा क्या है, अगर आगे से कोई गाड़ी वगैरह आ रही है मोड़ वगैरह में तो वो थोड़ी दूर से पता चल जाती है, क्योंकि उसकी जो आगे की नंबर प्लेट वगैरह या कुछ रिफ्लेक्टर वगैरह लगे होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं जिससे दूर से पता चल जाता है कि भाई आगे से कोई गाड़ी आ रही है। तो ये एक पॉइंट भाई काफी मुझे तो काफी ज्यादा बेस्ट लगा, ये हर गाड़ी में होना ही चाहिए। उसके बाद जो इसका दूसरा मतलब पॉजिटिव पॉइंट आता है वो आता है इसकी सीटिंग का। अब सीटिंग का मेरे मतलब जैसे इसकी जो भी अपनी जो ड्राइवर सीट है और जो को पैसेंजर वाली सीट भी है तो इसमें में जैसे हाइट एडजस्टमेंट आती है और इसकी जो सीटिंग पोस्चर है वो काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब अगर ड्राइवर वगैरह गाड़ी चला रहा है। तो अभी मैंने सीट अपनी पूरी अकॉर्डिंग सेट की हुई है और अब जो मेरा पूरा मोबाइल है ये मेरी पूरी आंखों के सामने है और यहाँ से देख सकते हो मतलब अपना जो पूरा व्यू है, मतलब बोनेट वगैरह सारा कुछ नजर आता है। तो माउंटेन्स वगैरह में यही चीज ज्यादा जरूरी होती है, अगर कोई दूसरी गाड़ी वगैरह लो जिसकी सीटिंग वगैरह काफी ज्यादा नीचे हो तो उसमें भाई ऐसे करके बैठते हैं जिसमें सिर्फ डैशबोर्ड ही दिखता है, आगे का कुछ दिखता ही नहीं है। और अब जैसे स्कॉर्पियो में आगे का पूरा बोनट वगैरह दिखता है तो जो कटिंग वगैरह में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है, अगर ऐसे कोई मोड़ वगैरह आता है तो उसमें भी भाई आगे जैसे बैरिकेड वगैरह होते हैं तो इस साइड से बड़े बड़े ट्रक आ रहे होते हैं तो उनको मोड़ मतलब ऐसे उनको जगह देने के लिए या खुद निकलने के लिए ये चीज काफी ज्यादा बेटर रहती है, मतलब इसकी जो सीटिंग पोस्चर है काफी ज्यादा ऊंचा बैठते हैं बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। सबसे ज्यादा विजिबिलिटी भी भाई स्कॉर्पियो में ही आती है तो ये चीज भी काफी मतलब अच्छा पॉइंट लगा मुझे इस गाड़ी का। उसके बाद आता है इसका टायर प्लेसमेंट। इसके ये अब जैसे अगर बाकी गाड़ियों की बात करें, अगर आप कोई छोटी गाड़ी लेके जाओगे अपने साथ, मतलब अगर कहीं पहाड़ी वगैरह एरिया में, तो उसको क्या होता है पीछे जो डिक्की होती है मतलब पूरी डिक्की का जो ये नीचे का पार्ट होता है यहाँ पे कोई थोड़ी सी स्पेसिंग वगैरह बना के यहाँ पे डाला होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है अगर जैसे हम कहीं पहाड़ी वगैरह एरिया में जाए तो उसमें हमारे जो गाड़ी सामान होता है वो पूरा ऊपर तक भरा होता है, और अगर बाय चांस हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो वो पहले सारा सामान निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद जो अपनी स्टपनी वगैरह जैक वगैरह वो निकालना पड़ता है। लेकिन इसमें भाई जो अपनी स्टपनी की प्लेसमेंट है वो आती है नीचे की साइड, तो उसकी वजह से क्या है अपने को यहाँ पे कोई ये जो आप देख रहे हो इसको खोल के
इसके अंदर से एक वो लीवर होती है वो खींचनी होती है जिससे टायर नीचे आ जाता है। तो उसके लिए ज्यादा मतलब सामान वगैरह हटाने होता है, यहाँ से थोड़ा सा सामान हटाना होता है बस, और अपनी लीवर खींच के तो चलो। और बाकी गाड़ियों में क्या होता है, पूरा सामान उतारना पड़ता है, उसके बाद जाके अपनी स्टपनी निकालते हैं, और इसके जो अपने जैक वगैरह हैं मतलब जिससे गाड़ी ऊपर उठी जाती है, वो सारी मिलती है अपनी ये पैसेंजर सीट के नीचे। तो इसकी भी पूरी मतलब टाइट करके फिटिंग की होती है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, मतलब अगर कोई पहाड़ी एरिया में जिसका टायर पंचर हो जाता है तो उसको मतलब सारा सामान वगैरह नहीं उतारना पड़ेगा। उसके बाद आता है अपना जो फोर्थ पॉइंट है, वो है इस गाड़ी की पावर। मतलब ऐसे अगर हम कहीं फंस वगैरह जाते हैं, एक तो बड़ी गाड़ी है तो ज़्यादा कोई टेंशन वगैरह होती नहीं है, मतलब आराम से निकल ही जाती है। उसी के साथ साथ अगर जैसे माउंटेन्स वगैरह की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े रोड नहीं होते हैं, सिर्फ दो वे ही होते हैं, एक साइड से गाड़ियाँ आती हैं एक साइड से जाती हैं। तो उस केस में क्या होता है, अब जैसे आगे कोई ट्रक वगैरह आ जाता है तो उसमें जो छोटी गाड़ी होती है वो हमेशा पास करने की कोशिश करती है, ओवरटेक करने की, मतलब किसी तरीके से जो ट्रक वाला है क्योंकि वो आराम आराम से चलते हैं कि उसके आगे निकल जाए। तो उस केस में क्या होता है, जो माउंटेन्स वगैरह वहाँ पे जल्दी से ओवरटेक करना पड़ता है, अगर हम ज़्यादा देर मतलब ऐसे ट्रक के बिल्कुल साथ साथ चलते रहेंगे तो आगे से कोई गाड़ी वगैरह आ जाती है जिससे जाम वगैरह लग जाता है। तो थोड़ी देर थोड़े मतलब थोड़े थोड़े किलोमीटर के बाद वहाँ पे कोई टर्न आया था जिसकी वजह से टर्न में भाई ओवरटेक तो करना ही नहीं चाहिए। तो इसमें जो मतलब टॉर्क वगैरह आता है, अब जैसे माउंटेन्स एरिया में ज़्यादा अब छः में गियर में तो हम चलाएंगे नहीं, गियर थोड़े लो ही होते हैं, और इसके जो इनिशियल गियर्स हैं उसमें जो इसका टॉर्क मिलता है वो भाई मतलब अलग ही लेवल का है, और वो ज़्यादा काम आता है किसी गाड़ी को ओवरटेक करने में। मतलब गाड़ी ऐसे चलती है, मतलब अब अंदर कोई पैसेंजर वगैरह बैठे होंगे वो उन पूरी सीट के साथ पीछे टच हो जाते हैं, मतलब पूरा एकदम पुश मिलता है गाड़ी को। तो वो चीज़ गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी, मतलब ओवरटेक करने में गाड़ी तो ज़्यादा टाइम लगाती नहीं है। वहीं अगर दूसरी गाड़ियों की बात करें तो उसका उनका थोड़ा पिकअप लो होने की वजह से उनको थोड़ा ट्रक के साथ साथ चलना पड़ता है, फिर जाके वो ओवरटेक करती है। इसमें भाई ज़्यादा देर लगाती नहीं ओवरटेक करने में, मतलब थोड़ी देर में ही ओवरटेक करके आगे चल जाती है। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे इस गाड़ी की। तो ये थे अपने चार पॉइंट मतलब पॉजिटिव पॉइंट गाड़ी की। अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो है इसके लाइट की थ्रो। मतलब इसकी जो लाइट है वो रोड पे इतनी ज़्यादा ऐसे ब्राइट होकर चलती है, मतलब आगे से कोई गाड़ी वगैरह आया तो उसको तो भाई दिखता नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा ब्राइट इसकी लाइट है। अगर हाई बीम कर दें तो आगे वाली गाड़ी का तो कुछ दिखता ही नहीं है, वैसे लो करके इसलिए आनी चाहिए, लेकिन आगे कोई गाड़ी वगैरह ना हो तो उस केस में हम अपनी हाई बीम कर सकते हैं। अब जैसे माउंटेन्स वगैरह में रात को जाते हैं तो वहाँ पे जो रोड वगैरह होते हैं उनकी विजिबिलिटी भाई काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो पॉसिबल हो जाता है जब हमारी गाड़ी की भाई लाइट ज़्यादा तेज़ होगी। और इस गाड़ी में जैसे आता पूरा हैलोजन है, मगर जो हैलोजन है उनका थ्रो भी भाई इतना ज़्यादा बेस्ट है, मतलब इसमें आगे प्रोजेक्टर आते हैं, नीचे की साइड फॉग लैम्प आ जाते हैं, और ये अपने जो रिफ्लेक्टर्स आई जाते हैं। तो इसकी मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है लाइटनिंग की, तो वो चैनल में जाके चेक कर लेना, आपको पूरा थ्रो वगैरह पता चल जाएगा गाड़ी का। तो ये थे अपने कोई पाँच पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट स्कॉर्पियो के, और हमारे मतलब 10 पॉइंट यहाँ ही पे कवर होते हैं, 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव जो मुझे लगे इस जर्नी में। अगर आप कोई भी मतलब आपकी गाड़ी में कोई पॉजिटिव मतलब जैसे स्कॉर्पियो रखी है, अगर उसमें भी कोई कमी वगैरह लगती है तो नीचे कमेंट करके बताना। तो ये वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, अगर यहाँ तक वीडियो देख ली तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।